ब्यूटीफुल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अरीशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो गाइस, आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही चटपटी और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी है। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बीफ यखनी बिरयानी। ये बहुत ही मज़े की होती है और आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलने से पहले, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 500 ग्राम मैंने बीफ का गोश्त लिया है। इसमें हम 2 गिलास पानी मैंने शामिल किया है और 3 खाने के चम्मच बिरयानी मसाला शामिल करेंगे। 4 टमाटर, 4 मोटी मिर्चियाँ, 4 पुदीने के पत्ते। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। पानी मुझे कम लग रहा था तो मैंने 1 गिलास पानी और शामिल कर लिया। अब हम इसे फ्लेम को हाई करके इसे एक बॉईल आने देंगे और फिर हम इसे स्लो आंच पे गलने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस पे बॉईल आना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पे हमने इसे कवर करके लो फ्लेम में 1 घंटे तक छोड़ देना है ताकि जो हमारे गोश्त है वो अच्छी तरीके से गल। जब तक हमारे गोश्त गल रहे हैं तब तक हम अपनी चावलों की तैयारी कर रहे हैं। ये देखें, इसमें हम तेल तकरीबन 1/2 कप के आसपास डाल देंगे और इस पॉइंट पे हम इसमें कुछ गरम मसाले डाल रहे हैं जो कि कुछ यूँ हैं: 1 चाय के चम्मच ज़ीरा, 2-3 लौंग, 15 दाने काली मिर्च के और 2 बादियान फूल और 2 बड़ी इलायची और साथ में 1 लार्ज साइज़ का प्याज। प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से। प्याज हमारे ऑलमोस्ट गोल्डन हो चुके हैं, बस हमें इतना ही करना है। इस पॉइंट पे हम इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 खाने के चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/4 चाय के चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 खाने के चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चाय के चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चाय के चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे अच्छी तरीके से सॉटे कर लेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम हाई पे रखा है। इस साइड पे हम अपने गोश्त को देख लेते हैं क्योंकि इसे पूरा घंटा हो चुका है। गोश्त हमारे अच्छी तरीके से टेंडर हो गए हैं। अब हम इसका चूल्हा फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ अपने मसालों को हमें अच्छी तरीके से भूनना है। 1/2 कप ऑयल मैंने ऐड किया था, अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर सकते हैं। इस पॉइंट पे हम अपने सालन को इसमें ऐड कर देंगे। सारा इसमें ऐड कर दिया है। इसे हमें उस वक्त तक पकाना है तब तक इसका जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए, अच्छी तरीके से भूनना है। अब हमने इसमें नमक हसबे ज़रूरत, हसबे ज़ायका नमक ऐड किया है।
फ्लेम हाई रख के हमें इसे खूब अच्छी तरीके से भून लेना है। 5 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए और अब इसका जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है। अच्छी तरीके से हमने सालन को भून लिया है। इस पॉइंट पे हम इसमें 1/2 कप दही शामिल करेंगे, साथ ही पुदीना और 2 हरी मिर्चें, पुदीना के चंद पत्ते, 2 मोटी हरी मिर्चें, फ्लेम हाई है, देखिए दही डाल के मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे 1 लीटर। जैसे ही पानी में बॉईल आएगा हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। फ्लेम को हाई करके इसे कवर कर दें ताकि बॉईल आ जाए। ये देखिए पानी में बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें अपने चावल ऐड करेंगे। चावल मैंने लिया है 750 ग्राम। इस तरीके से चला के अच्छी तरीके से अब हम इसे पकने देंगे। फ्लेम हाई है, ठीक है, हाई फ्लेम पे इसे पकने देंगे। इस तरीके से हमने पानी इसका ड्राई हो रहा है, इसे थोड़ा सा चलाना है। ये देखें इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। हम इसे कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसे 5 मिनट तक छोड़ देंगे। लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए अब हम इसे दम पे रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे। और ये देखें अच्छी तरीके से चलाने के बाद हम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे। फूड कलर ऐड करने के बाद हम इसे कवर करके 2 मिनट के लिए और लो फ्लेम पे दम पे छोड़ देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। तो व्यूअर्स ये देखें तैयार है हमारी बहुत ही मज़े की यमी बीफ यखनी बिरयानी। इसकी खुशबू इतनी मज़े की आ रही है कि मेरा दिल कह रहा है मैं इस वक्त शूट छोड़ दूं और इसे ट्राई करूं। तो व्यूअर्स आप भी इसे अपने घर में ट्राई करें। मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही मज़े की लगेगी क्योंकि ये बनी बहुत मज़े की है, बहुत 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 ही मज़े की है। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, अपने मेहमानों को खिलाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं और सबसे तारीफें लें। तो चलें मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। चलती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।